हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, चलिए स्टडी करते हैं हम आज एमसीक्यूज़ की। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था आधुनिक इतिहास पर, तो आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो लिया है जो आर्थिक प्रशासन था ब्रिटिश साम्राज्य का, उसके ऊपर जो मेन प्रशासनिक विकास एवं सामाजिक सांस्कृतिक नीतियाँ जो ब्रिटिश काल में रही हैं उन्हीं पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो चलिए देर ना करते हुए इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। आज थोड़ा लेट हो गया है लेकिन अपनी स्टडी को जारी रखिए और चलिए स्टडी पर चलते हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। तो सबसे पहला प्रश्न लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है फोर्ट विलियम की फैक्ट्री स्थापित हुई। तो यह फैक्ट्री स्थापित हुई थी 1698 में। सबसे पहली फैक्ट्री स्थापित हुई, तो जो सबसे पहली फैक्ट्री स्थापित हुई थी वो हुई थी ब्रिटिश की सूरत में। इस पर काफ़ी प्रश्न बनता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कौन सा क्षेत्र कभी भी बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा नहीं रहा? तो ये हैं ऑप्शंस, बनारस की जमींदारी, फिर दिया गया है विजित प्रदेश पंजाब और अराकान का क्षेत्र। तो पंजाब कभी भी नहीं रहा है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सिंध को जीत कर मिलाया गया था, तो सिंध को जीत कर मिलाया गया था किस में मिला दिया गया था? पंजाब में, उत्तर पश्चिम प्रांत में, बम्बई में कि सीमांत प्रदेशों में? तो ये मिलाया गया था बम्बई में। बम्बई का द्वीप कंपनी को प्राप्त हुआ था, तो बम्बई का द्वीप कंपनी को प्राप्त हुआ था इंग्लैंड के राजा से, ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता, बम्बई व मद्रास में मेयर की अदालतें स्थापित करने का अधिकार कंपनी को मिला? तो ये अधिकार मिला था सन 1726 में। बंगाल की दीवानी पाकर नायब दीवान के रूप में किसे नियुक्त नहीं किया गया? तो जिसे नियुक्त नहीं किया गया था वो था नंद कुमार, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लाइव ने द्वैत शासन काल में स्थापित एक व्यापारिक सोसाइटी को किस वस्तु के निजी व्यापार का एकाधिकार नहीं दिया था? तो एकाधिकार नहीं दिया था ये हो जाएगा, एकाधिकार नहीं मिला था अफीम का, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भू राजस्व की कुल व्यवस्था हेतु 1770 में वित्तीय नियंत्रण परिषदों को स्थापित किया गया, तो वित्तीय नियंत्रण परिषद को स्थापित किया गया था मुर्शिदाबाद और पटना में, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सन 1790 में भू व्यवस्था का बंदोबस्त किसने समय के लिए किया गया था? कितने समय के लिए किया गया था? तो ये समय था कुल 10 वर्ष के लिए। कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, तो ये व्यवस्था लागू की गई थी सन 1793 में। जमींदारों को भूमि का स्वामी माना गया था, तो जमींदारों को भूमि का स्वामी जो माना गया था वो थे स्थाई बंदोबस्त में, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। किस प्रांत की भू व्यवस्था से मुनरो का नाम जुड़ा है? तो मुनरो का जो नाम जुड़ा हुआ है वो हो जाएगा मद्रास की व्यवस्था से। बम्बई प्रेसिडेंसी में भू बंदोबस्त से किसका संबंध नहीं रहा है?
तो जिसका संबंध भू बंदोबस्त से नहीं रहा है वो थे हॉल्ट मैकेंजी। स्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? तो स्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था बनारस में। उत्तर भारत में भू राजस्व व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो जनक जिसे माना जाता है वो थे मार्टिन बर्ट। जिला अदालतों को सबसे पहले किसने स्थापित किया? तो जिला अदालतों को सबसे पहले स्थापित करने वाला था वॉरेन हेस्टिंग। सदर निजामत अदालत को वॉरेन हेस्टिंग ने कहाँ स्थापित किया? तो ये स्थापित किया था मुर्शिदाबाद में। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वॉरेन हेस्टिंग के समय गवर्नर जनरल किस न्यायालय का अध्यक्ष था? तो न्यायालय पूछ रहा है किस न्यायालय का अध्यक्ष था, तो ये अध्यक्ष था सदर दीवानी अदालत का। देश में प्रचलित कानून को बंगाल व फारसी में सर्वप्रथम संहिताबद्ध किसने कराया था? तो सर्वप्रथम संहिताबद्ध कराया था वॉरेन हेस्टिंग ने। कॉर्न वॉलिस ने फौजदारी न्यायालय के क्षेत्र में कौन सा कार्य नहीं किया? तो जो कार्य नहीं किया गया था वो था सर्किट कोर्ट की स्थापना नहीं करना। कॉर्न वॉलिस को न्याय सुधार के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? जो इनकरेक्ट है उसी को हमें चूज करना है। तो चलिए एक एक कथन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले दिया है गवर्नर जनरल सदर निजामत अदालत का अध्यक्ष नहीं था, ये ही इनकरेक्ट है। नीचे पढ़ लेते हैं बी, अंग भंग के दंड के स्थान पर सश्रम कठोर कारावास का दंड लागू किया गया, करेक्ट है। तो यहाँ पे प्रिंटिंग में कुछ प्रॉब्लम हुई है, चलिए मैं आपको बोल देती हूँ। हत्या के मामले में निर्णय देते समय हथियार के एक मिनट हत्या के मामलों में निर्णय देते समय हथियार के स्थान पर उद्देश्य को ध्यान में रखा। डी कहता है कानून को संहिताबद्ध किया गया। तो ये सभी करेक्ट है, इनकरेक्ट पहला वाला ए ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 23, गवर्नर जनरल व उसकी परिषद का सदर अदालतों, ये भी दिख नहीं रहा है, गवर्नर जनरल व उसकी परिषद को सदर अदालतों से किसके समय में अलग कर दिया गया? तो किसके समय में अलग किया गया था, तो ये अलग हुआ था ऑप्शन सी होगा इसमें, वैलेजली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक दो क्वेश्चन इसमें मिसप्रिंट हुए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सा सुधार विलियम बेंटिक ने नहीं किया? तो जो सुधार विलियम बेंटिक के द्वारा नहीं किया गया था उसी को चूज करना है। ए कहता है सदर अमीन की अदालत की स्थापना, ये नहीं किया गया था, बाकी सभी किए गए हैं, नीचे देख लेते हैं। बी कहता है सर्किट कोर्ट को समाप्त करना। सी कहता है सदर मुख्य सदर अमीन के पद का सृजन करना। डी कहता है इलाहाबाद में सदर अदालतों की स्थापना करना। ये सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 25, आगरा में अपील की अदालत स्थापित की थी। तो आगरा में जो अपील की अदालत स्थापित हुई थी वो हो जाएगा विलियम बेंटिक ने, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26, फारसी के स्थान पर स्थानीय भाषा को अदालत की कार्यवाही के रूप में प्रयुक्त करने का विकल्प प्रदान किया था, तो किसने प्रदान किया था? तो ये थे विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी यहाँ पे भी करेक्ट होगा, विलियम बेंटिक ही थे। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, किसका शासनकाल न्याय व्यवस्था में सुधार के लिए उल्लेखनीय नहीं है? तो उल्लेखनीय नहीं है देख लेते हैं, लॉर्ड वेलेजरी, लॉर्ड हेस्टिंग्स,
लॉर्ड मिंटो हो जाएंगे, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नमक के उत्पादन तथा बिक्री पर राज्य का एकाधिकार किस प्रदेश में नहीं था? तो वो प्रदेश की पहचान करनी है, यहाँ पे बंगाल दिया है, बंबई दिया है, मद्रास दिया है, तीनों प्रदेश में दिया है, तो इसमें जो हमारा आंसर बनेगा वो हो जाएगा बंबई। बंगाल में मोलुगी कहा जाता था, तो मोलुगी किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता था, इसमें ऑप्शन नहीं दिख रहा है, मैं आपको ऑप्शन दिखाती हूँ। नमक बनाने वालों को कहा जाता था मोलुगी। कंपनी के शासनकाल में अफीम का कारखाना कहाँ था? तो अफीम का कारखाना स्थापित किया गया था गाजीपुर में, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। एक मिनट, ये यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे हो जाएगा पटना, एक तो हो जाएगा अफीम के लिए जो कि प्रसिद्ध है, ये ऑप्शन क्रॉस कर देते हैं। सबसे पहले तो हो जाएगा पटना और गाजीपुर, दोनों ही हो जाएंगे, तो हमारा जो इसमें ऑप्शन बनेगा वो बी और सी हो जाएगा। अफीम की बात आती है तो बिहार का ही नाम आता है, तो बी और सी, एक बिहार के बॉर्डर के आसपास पड़ता है गाजीपुर। कंपनी के राज्य प्रशासन में फुटकर करों को कहा जाता था, तो फुटकर करों को कहा जाता था शेयर। स्टाम्प कर सबसे पहले कहाँ लागू किया गया? तो ये लागू हुआ था बंगाल में। कौन सा कथन असत्य है? जो कथन असत्य है उसकी हमें पहचान करनी है, तो चलिए देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले बोल रहा है ए, कंपनी के शासन काल में तीर्थ यात्रा कर लगाया गया था, करेक्ट है, हमें असत की पहचान करनी है। बी कहता है कंपनी के शासनकाल में तीर्थ यात्रा कर नहीं लगाया था, कंपनी के शासनकाल में तीर्थ यात्रा कर लगाया गया था, और बी कहता है कंपनी के शासनकाल में तीर्थ यात्रा कर नहीं लगाया गया था। और कुछ तीर्थों पर यात्रा कर नहीं लगाया गया था, अन्य सभी पर लगाया गया था, तो इसमें ऑप्शन हमारा सी बनेगा। लोक सेवा में भारतीयों की नियुक्ति ना करने की नीति का आरंभ किया था, तो ये आरंभ किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस से। लोक सेवकों को के प्रशिक्षण हेतु सर्वप्रथम संस्था स्थापित हुई, तो सर्वप्रथम संस्था स्थापित हुई थी कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी में। लोक सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगिता का सिद्धांत सबसे पहले लागू किया, तो सबसे पहले जो लागू किया था वो 1833 में हुआ था। कौन सा कथन सत्य नहीं है यानी इनकरेक्ट है, उसी की पहचान हमें करनी है, तो सबसे पहले ए कहता है लोक सेवा भर्ती के लिए पूर्ण रूप से खुली प्रतियोगिता का सिद्धांत 1853 में स्वीकार किया गया, ये करेक्ट है। फिर बी कहता है ब्रिटिश सिविल सर्विस कमीशन की स्थापना 1855 में हुई, ये भी करेक्ट है। भर्ती के लिए पहली प्रतियोगिता परीक्षा डायरेक्टरों की देखरेख में हुई, ये इनकरेक्ट है, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। डी कहता है यह परीक्षा 1855 में हुई, ये भी करेक्ट है। भारत में विद्युत तार का प्रसार करने का श्रेय किसे जाता है या किसे है? तो ये जाता है ओशो, यहाँ पे बी ऑप्शन जो दे रहा है, ओशो गणेशी, ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारत में पहली स्टीम नौका का नाम क्या था? तो स्टीम नौका का जो नाम था वो था हुगली।
पहली स्टीम नौका हुगली ने 1828 में कहाँ से कहाँ तक यात्रा की? तो ये यात्रा हुई थी कलकत्ता से इलाहाबाद तक। कौन युग्म सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है वो है कलकत्ता मदरसा कॉर्नवालिस, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही सुमेलित हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज वैलजली, हिंदू कॉलेज डेविड हेयर और जन शिक्षा समिति विल्सन। लॉर्ड मिंटो ने कहाँ संस्कृत विद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव रखा? तो ये प्रस्ताव रखा था नाडिया में। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम आ गए हैं अपनी प्लेलिस्ट में, यहाँ से आप देख सकते हैं इसमें अलग अलग टाइप के TGT, PGT और नेट की प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे और इन वीडियो का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वीडियो के हर एक वीडियो के नीचे एक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा, वहाँ पर प्लेलिस्ट बने हुए हैं ओल्ड पेपर के नाम से या प्रैक्टिस सेट के नाम से, तो जिनका भी आप वीडियो देखना चाहें वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा PDF अवेलेबल करना मैंने शुरू कर दिया है, उस पर वीडियो कल ही मैंने एक प्रोवाइड किया है आपको, जो कि ये है, अगर आप प्रैक्टिस सेट बी का एंशियंट पार्ट PDF के रूप में लेना चाहते हैं तो ये वीडियो देखकर इसके माध्यम से आप ले सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।